हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज तो होप नहीं कर सकती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, और क्योंकि आज मैं भी उदास हूँ और आप सब भी उदास ही होंगे, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती जिनकी वजह से हमारे ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ थी, तो मैं बात कर रही हूँ स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर जी की, जो आज हमारे बीच में अब नहीं रही। आज उनकी डेथ हो गई है, तो कुछ उनके बारे में आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। स्वर्ण कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं है, और आज हम उनके बारे में कुछ बात करते हैं। लता मंगेशकर जी 5 साल में बहुत बड़ी बीमारी से जूझी और उसके बाद वो ठीक हुई। उनकी मम्मा ने उनके लिए पुनर्जन्म मनाया था और 6 साल में उन्होंने सिंगिंग की कैरियर में शुरुआत की थी, और उन्होंने पहली कमाई 25 रुपये के रूप में कमाया था, और वो 6 साल के थी जब से उन्होंने अपना सिंगिंग की शुरुआत की थी, और आज उन्होंने लगभग 1000 फिल्मों में गाना गाया और भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। और एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे नाम तो नहीं याद है, लेकिन उनको किसी से मतलब प्यार हुआ था, बट शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो जो थे लड़के थे उन्होंने अपनी मम्मी से वादा किया था कि वो एक बहुत बड़े घर की बेटी को उनकी घर की बहू बनाएगी, इसलिए लता मंगेशकर और उनका शादी नहीं हो पाया था। लता जी को उनकी सुरीली आवाज़ की वजह से कई रिजेक्शन भी झेलना पड़ा था। कई फिल्मों में उनको लेने से मना कर दिया गया था क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ही पतली थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो दुनिया में करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने लगे। ऐसी थी हमारी लता मंगेशकर। तो आपको सत सत नमन।